आज हम कुछ और प्रोडक्ट्स के ऊपर चर्चा करेंगे और साथ में ये देखेंगे कि हमने जब पिछली बार इस पर चर्चा करी थी उसके बाद क्या वाकई में हमने इसके ऊपर कार्य किया, क्या हमने अन्य साथियों को इसके बारे में शेयर किया कि कैसे कैसे हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं वो किस खूबी के साथ किस क्वालिटी के साथ बनाए जाते हैं, जिसको न सिर्फ हम खुद लाभ ले सकते हैं लेकिन अन्य लोगों को भी बहुत सारा लाभ दे सकते हैं। तो यस, मैं बात कर रही हूँ फुट क्रीम की। जैसा कि अभी मौसम जिस प्रकार से पूरे मौसम के अंदर ड्राइनेस है, पूरे वातावरण में ड्राइनेस है, हमारी त्वचा के अंदर भी वही ड्राइनेस आ जाती है और खास तौर से जो हमारे पैरों की जो स्किन है उसके अंदर तो शायद मौसम का भी इंतजार नहीं करता है। कई लोगों की तो 12 महीने ही इस तरह से पैर रहते हैं, तो ऐसे में कौन इस तरह से अपने पैर रखना चाहेगा। कहते हैं ना कि किसी भी इंसान को अगर जज करना है तो उसकी पैरों की तरफ देखो, वो किस प्रकार अपने पैरों की केयर करता है। खुद ब खुद समझ जाइए कि वो लाइफ में कितना केयरफुल है, क्योंकि चेहरे को तो हम अपने मेकअप से ढक लेते हैं लेकिन पैरों को क्या करेंगे, पैरों को किस प्रकार से हम दूसरों को दिखने से बचाएंगे, या हमको खुद भी अच्छा नहीं लगता है कि हमारे पैर इस तरह के दिखे। तो हमारे पास एक आरसीएम की एक ऐसी खास फुट क्रीम है जिसके अंदर वीट जर्म ऑयल है और इसके जो रिजल्ट है, देखिए इस कई सारे प्रोडक्ट तो ऐसे होते हैं ना कि उनके रिजल्ट ही अपने आप में सब कुछ बोल देते हैं। तो ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसके रेगुलर इस्तेमाल से, इसमें सिर्फ एक ही चीज का ध्यान रखना है कि रात को सोते वक्त पैरों को अच्छी तरह से धोकर अगर हम ये क्रीम लगाते हैं तो कुछ ही दिनों में आपके पैरों में जो डेड स्किन आ जाती है या फिर आपके जो क्रैक्स आ जाते हैं पैरों में, जो सूखापन रूखापन की वजह से ऐसे आपको लगता है कि हमारे जो स्किन जो है उसमें पपड़ियां आ रही है, ये सारी चीजों को जो रफनेस है वो हटा देगा, जो आपके क्रैक्स आ रहे हैं उसको हटा देगा, आपके जो जो झुर्रियां सी जो पड़ जाती है पैरों के अंदर उसको भी ठीक करेगा और इस तरह से मॉइस्चराइज करेगा कि आपकी ये सारी प्रॉब्लम्स हील अप हो जाएगी। तो अब अगर हम चेहरे के लिए इतना कुछ करते हैं, देखिए वहां पे झूठ मत बोलेगा कि नहीं करते हैं, हम बहुत कुछ करते हैं सुंदर दिखने के लिए, तो पैरों के लिए इतना सा तो कर ही सकते हैं ना। सिर्फ एक ही क्रीम तो लगानी है रोज पैरों को धोकर, हम इसको सुबह भी लगा सकते हैं लेकिन क्योंकि हम सुबह जब नहाने के बाद कोई क्रीम लगाते हैं तो हम पैरों से दिन भर चल के वो क्रीम हट जाती है या हमारे फुटवेयर में ट्रांसफर हो जाती है, रात को क्योंकि हम सोते हैं तो इसीलिए खास तौर से ये क्रीम लगाने के लिए रात को बोला जाता है। हम दोनों वक्त भी लगा सकते हैं लेकिन रात को तो लगानी ही लगानी है। इसको इस तरह से फॉर्मुलेट किया गया है कि ये क्रीम हमें बहुत क्विक रिजल्ट देगी और बहुत सारे इसके अंदर हमने नेचुरल इंग्रेडिएंट डाले गए हैं जिनकी हीलिंग प्रॉपर्टीज है, क्योंकि आप सोचिए ना कि ऐसा क्या होगा जो क्रैक्स को भी बंद कर देगी। जिनकी बहुत ज्यादा पैर खराब है हो सकता है कि 5-7 दिन ज्यादा लग जाए लेकिन ठीक ये कर देगा, और ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये हमें हजारों लोगों ने इस तरह के फीडबैक दिए हैं कि कई लोगों को तो हमने आरसीएम से सिर्फ इस नाइसा फुट क्रीम के माध्यम से जोड़ा है, क्योंकि जिनकी सालों की परेशानी दूर नहीं हो रही थी अगर उनको एक क्रीम की मदद से 15 दिन में 20 दिन में अगर उनके पैर ठीक हो जाते हैं तो सोचिए कि उनका आरसीएम के प्रति विश्वास कितना बढ़ जाता है कि यहाँ वाकई में यहाँ तो बहुत ही शानदार प्रोडक्ट बनाए जाते हैं। अब ऐसे अगर प्रोडक्ट हो जिनके इतने क्विक और प्रूवन रिजल्ट है तो क्या हमें खुद यूज करना है या दूसरों को भी देना है, हमें यहाँ पे आज एक डिसीजन लेना पड़ेगा कि हम ये जो सिर्फ अपने आप तक रखते हैं ना कि हमें तो बड़ी अच्छी लगी, या हम एक दो लोगों तक इस बात को पहुंचा देते हैं, यहाँ पे नहीं रुकना है हमें ये, क्योंकि एक ऐसी समस्या है यहाँ पे महिलाओं और पुरुष का मैटर नहीं आ रहा है, ये तो एक्चुअली सभी लोगों की परेशानी है और खास तौर से जो लोग अपने पैरों का ज्यादा ध्यान नहीं रखते हैं, शुरू से थोड़े से केयरलेस रहते हैं, उनके पैरों की और हालत ज्यादा खराब होती है। कई लोगों की टेंडेंसी होती है ड्राई स्किन की, तो उनको तो ये 12 महीने ये समस्या रहती ही है। तो सिर्फ इतना सा ही तो करना है कि रात को पैरों को अच्छे से धोकर इस क्रीम को लगा के सो जाना है, ये इतना सिंपल सा काम तो हम कर ही सकते हैं। और
ये बात अपने तक नहीं रखनी है, बस आज हमें एक नया डिसीजन जो अपने आप के लिए लेना है। तो अगला प्रोडक्ट जो है वो है हमारा, पैरों को तो सुंदर कर लिया, अब चेहरे के लिए क्या किया जाए। तो अगेन एक और एक ऐसा प्रोडक्ट जिसके इतने बढ़िया रिजल्ट हैं। इस प्रोडक्ट के अंदर टी ट्री ऑयल है, ऑरेंज ऑयल है, कार्डमम ऑयल है और लेमन ऑयल है। तो आप सोचिए कि एक ऐसा प्रोडक्ट जिसके अंदर एक ऐसे इतने शानदार तरह के इंग्रेडिएंट्स, इसके अंदर ये जीरो सोप फॉर्मूला है, यानी कि इसके अंदर जो सोप में जो सर्फेक्टेंट्स होते हैं वो बिल्कुल भी नहीं डाले गए। आप देखेंगे कि जब भी आप फेस वॉश लगाएंगे तो इसमें बहुत ज्यादा झाग नहीं आएंगे, तो नहीं आने दीजिए। हमें सिर्फ अपने चेहरे को साफ करना है, हमें झाग नहीं चाहिए, क्योंकि इसके अंदर हमने कोई सर्फेक्टेंट्स नहीं डाले हैं, इसकी वजह से झाग नहीं आते हैं। ये एक्ने के ऊपर, क्योंकि टी ट्री ऑयल की खास गुण है ये पिंपल्स और एक्ने के ऊपर जो फुंसियां मुहासे जो हो जाते हैं उसके ऊपर खास तौर से काम करता है। ये हमारे चेहरे के जो ऑयली, खास तौर से जिनकी स्किन होती है, या हम जो जो बाहर पॉल्यूशन में जाते हैं, जब हम फेस को अच्छी तरह से इससे वॉश करेंगे तो इसके बहुत ही शानदार रिजल्ट हैं। और ये आपको, मुझे पता है कि हम जब फेस वॉश करते हैं तो हमें फ्रेश तो लगता ही है, लेकिन इसकी ये जो खास ऑरेंज ऑयल है, लेमन ऑयल है, ये एक अलग तरह की फ्रेशनेस हमें देता है। और जो कई लोगों के जो सेबम जो हो जाते हैं, यानी कि बहुत सारे हमारे पिंपल्स कभी भी होने की वजह से वो जो दाग हो जाते हैं, ये एक अलग तरह के दाग होते हैं कई लोगों के चेहरे पे, ये उसके प्रोडक्शन को भी रोकता है। यानी कि अगर हम रेगुलर फेस वॉश करेंगे इससे, तो हम बहुत सारे जो फेस में अलग अलग तरह की प्रॉब्लम्स होती है उसको भी रोकने में मदद करता है ये। तो ये भी एक प्रोवन प्रोडक्ट है जिसके बहुत ही खास रिजल्ट हैं। और इस फेस वॉश को जिसने भी आज तक यूज किया है उसके बाद उन्हें लगता है कि हमें कोई और प्रोडक्ट को यूज करने की जरूरत नहीं है। ये इतना लाइट वेट है यूज करने में, इतना रिफ्रेशिंग है और इतने अच्छे इसके रिजल्ट हैं। तो हमारे पास एक और प्रोडक्ट है जिसपे हम थोड़ी सी बात करके, अब यहाँ पे हमें क्या करना है, हमने पिछले प्रोडक्ट में ये जाना कि वीट जर्म ऑयल की वजह से, जो उसका सबसे खास इंग्रेडिएंट है, उसकी वजह से हम ये फूड क्रीम बहुत जबरदस्त रिपेयरिंग का काम करती है। इसका काम ही है हमारी त्वचा को रिपेयर करना, मॉइस्चराइज करना। यहाँ पे ये दो चीजें याद रखनी है, और तीसरा इसके एप्लीकेशन का तरीका कि हमें इसको रात को पैर धो के अप्लाई करना है। ये तीन चीजें अपनी डायरी में नोट कर लीजिए। दूसरी चीज जो हमें फेस वॉश के बारे में जो नोट करनी है, क्योंकि मैं अभी ये पॉइंट्स आप लोगों से पूछने वाली हूँ, तो अच्छी तरह से नोट कर लीजिए डायरी में कि हमें टी ट्री ऑयल, जो इसका सबसे खास इंग्रेडिएंट है, सबसे इफेक्टिव इंग्रेडिएंट है, वो हमें जरूर से बोलना है। साथ में इसमें अन्य तरह के जो ऑयल हैं, ऑरेंज ऑयल, कार्डमम ऑयल और लेमन ऑयल, ये तीन ऑयल और लिख लीजिए। ये सिंपल से वर्ड्स हैं जिसको हम लिख सकते हैं, कार्डमम यानी कि इलायची। हम अगर ये चार चीजें लिख देते हैं और हम ये बता देते हैं कि ये जीरो सर्फेक्टेंट यानी कि 100% सोप फ्री फॉर्मूला है, इसके अंदर किसी भी तरह के सरफेस सर्फेक्टेंट यानी कि जो साबुन के अंदर जो झाग देते हैं उस तरह की चीजों का इस्तेमाल नहीं किया गया है, और ये एक्ने, पिंपल्स, मुहासों के लिए खास तौर से बहुत इफेक्टिव फेस वॉश है। अगर ये चीजें हमने नोट कर ली तो हम बहुत आसानी से इस प्रोडक्ट के बारे में किसी से भी बात कर सकते हैं। हाँ, ये इस प्रोडक्ट के बारे में मैंने पहले भी आप लोगों से चर्चा करी थी, और ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसपे मुझे लगता है कि ये अगेन जिसको हमने दर्द से निवारण दे दिया, यानी कि दर्द से छुटकारा दे दिया, तो आप सोचिए कि वो तो आरसीएम और हमारा भी फैन हो जाएगा। क्योंकि दर्द एक ऐसी चीज है ना कि छोटा सा भी अगर दर्द होता है तो वो हमें पूरी तरह से हिला देता है। तो ये पेनगो इतना खास क्यों है, क्योंकि इसके अंदर इतने सारे प्राकृतिक जड़ी बूटियों का और अलग अलग मिश्रण का इस्तेमाल किया गया है। आप खुद देख सकते हैं कि हमने किस किस तरह के प्रोडक्ट्स इसके अंदर इंग्रेडिएंट्स डाले हैं। इसके अंदर कपूर डाला गया है, पुदीना, इसके अंदर नीलगिरी, टर्पेंटाइन, अजवाइन, विंटर ग्रीन, फायर नीडल,
मतलब ऐसे ऐसे इंग्रेडिएंट जो हो सकता है हमने कभी सुने भी ना हो, जिनके नाम नटमेग, बे लीफ, यानी कि ये जो 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 गरम मसाले में हम खास तौर से जिस इंग्रेडिएंट्स के बारे में सुनते हैं, वो सब टाइप के इंग्रेडिएंट्स इसके अंदर डाले गए हैं, क्योंकि इन सब के औषधिक गुण हैं, यानी कि ये कहीं ना कहीं पेन में या दर्द में आराम देने का काम करता है। ये एक पूरा कंपोज्ड फॉर्मूला है, यानी कि इसको पूरा इस तरह से डिजाइन किया गया है कि किस रेशो में किस इंग्रेडिएंट को डालने से हमें दर्द में आराम मिलेगा, और साथ ही में इसको लगाने से हमें कहीं कोई मतलब इस तरह की गंध नहीं आती कि ये क्या चीज लगा दी है ये, क्योंकि इसके अंदर पुदीना है, इसमें कपूर है, ये बहुत ही ठंडक भी देता है इसको लगाने के बाद। जिन लोगों ने इसको आज तक लगाया होगा वो अच्छी तरह से जानते हैं कि इस प्रोडक्ट को लगाने से हमें अच्छा महसूस होता है, दर्द में तो आराम मिलता ही है, क्योंकि ये हमारी, जैसे ही हम इसको लगा के थोड़ी सी मसाज करेंगे, हल्की सी, बहुत ज्यादा देर नहीं करना है, तो ये हमें एक बहुत ही अच्छी सी वॉर्म्थ, क्योंकि ये पूरा अंदर चला जाता है, तो ये एक अच्छा सा वॉर्म सा एहसास देगा। हमारे जॉइंट पेन, मस्क्यूलर पेन, छोटे मोटे जो दूसरे दर्द होते हैं, उसके अंदर ये हमें आराम देता है, और जो हमारी कई बार मसल्स के अंदर जो एक स्टिफनेस आ जाती है, कहते हैं ना कि हमारी जो मसल है उसके अंदर बहुत कड़कपन आ गया और उसकी वजह से हम हिल नहीं पा रहे हैं या पैरों में चलने में पेन हो रहा है, तो ये उसको रिलैक्स कर देता है, उसकी वजह से हमें दर्द से आराम भी मिलता है, और कई बार हमें जो सूजन हो जाती है गिरने की वजह से या किसी भी वजह से, जो इन्फ्लेमेशन हो जाती है बॉडी में बहुत सारे कारणों की वजह से, उस पे भी ये आराम देता है। तो ये एक ऐसा ऑइंटमेंट है जो बहुत ही क्विकली, ऐसे ऐसे इंग्रेडिएंट्स इसके अंदर डाले गए हैं जो आपको इंस्टेंट रिलीफ देगा। मैंने आपको बताया था कि इसको आप जरा सी जो हमें चोट भी लग जाती है, बच्चे खेलते रहते हैं उन्हें कई बार अलग अलग तरीके से चोट लग जाती है, बड़ों को कई बार कमर में दर्द होता है, कभी घुटनों में दर्द हो जाता है, ये बहुत सारे तरह के पेन में हमें इंस्टेंट रिलीफ देता है। तो ये एक आयुर्वेदिक फॉर्मूला है, इसीलिए ये हमारी त्रिकारा सीरीज में आती है, आप सबको पता होगा, अगर नहीं पता है तो नोट कर लीजिए। आरसीएम की जो पूरी आयुर्वेदिक सीरीज जो है वो त्रिकारा के नाम से आती है, तो आप जिस जब भी किसी प्रोडक्ट को त्रिकारा कैटेगरी में देखेंगे, मतलब कि ये आयुर्वेदिक फॉर्मूला है, और इसको आयुर्वेद के जो आयुर्वेद फॉर्मूला का मतलब ये होता है कि प्राचीन काल से, जो सदियों से जिन फॉर्मूला को ऋषि मुनियों द्वारा डिजाइन किया गया है, उसी प्रकार से फॉर्मुलेट करके नेचुरल इंग्रेडिएंट्स के साथ इस प्रोडक्ट को तैयार किया गया है। इसी तरह से हमारे पास है पेन बाम, वो भी त्रिकारा सीरीज यानी कि एक आयुर्वेदिक प्रोडक्ट है, इसके अंदर भी बहुत सारे ऐसे बेनिफिट्स दिए गए हैं जो हमें इंस्टेंट रिलीफ दिलाता है। पेन बाम को हम जिसको हेडेक सबसे ज्यादा होता है उसके लिए बहुत खास रिजल्ट देता है, ये कफ कोल्ड में भी आराम देता है, यानी कि अगर हमें जब बहुत ज्यादा जुकाम हो जाता है तब भी अगर हम इसको नोज के ऊपर लगा लेते हैं तो ये उसके अंदर भी हमको आराम देगा, क्योंकि इसके अंदर कपूर, पुदीना जैसे इंग्रेडिएंट है, नीलगिरी इसके अंदर डाला गया है, जो हम कहते हैं ना कि नीलगिरी का तेल लगा लो अगर जुकाम हो गया तो हम पिलो पे छिड़क देते हैं या हम पानी में छिड़कते हैं, तो ये इसी वजह से ये हमें जुकाम में भी रिलीफ देता है, ये हेडेक और बॉडी एक में भी हमें कई अच्छी तरीके से ये बहुत क्विक रिजल्ट देगा। यस, इस ये प्रोडक्ट तो मुझे लगता है आप लोग सब बहुत अच्छी तरह से ऑलरेडी जानते हैं, इसके बारे में हमें मुझे ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन हमें कुछ खास चीजें जो इसमें खास तौर से नोट करनी है वो हम सब जरूर से नोट करेंगे कि क्यों ये प्रोडक्ट इतना खास है। तो इसके अंदर ये 8 नेचुरल हर्ब्स डाले गए हैं जो प्राकृतिक रूप से हमारे दांतों की, हमारी मसूड़ों की रक्षा करता है। देखिए ये जो टीथ एक ऐसी प्रॉब्लम है जिससे जिससे हर कोई एक उम्र के बाद जूझता रहता है, और खास तौर से हम बच्चे जो ये बहुत ज्यादा चॉकलेट खाते हैं या मीठा खाते हैं तो उनको बहुत जल्दी कम उम्र में ही कैविटी होने का खतरा रहता है,
अब इन सब से बचाव कैसे किया जाए? तो ऐसा टूथपेस्ट यूज किया जाए जिसके अंदर वो प्राकृतिक गुण है जो हमारे दांतों की प्रोटेक्शन कर सके। तो हमारे पास एक ऐसा टूथपेस्ट है जिसके अंदर पुदीना सत्तू है, सिनेमन है यानी कि दालचीनी है, लौंग का एक्सट्रैक्ट है, अकरकरा का एक्सट्रैक्ट है, अखरोट की छाल है, कैम्फर है, मेंथोल यानी कि मिंट है, और फिटकरी, जैसे हम पुराने जमाने में कोई भी सफाई के काम के लिए फिटकरी डाली जाती, ऐसे ही हमने इसके अंदर भी फिटकरी डाली है जिससे कि दांतों की सफेदी आ सके। तो ये हमारे दांतों को सफेदी भी पहुंचाता है, कैविटी से भी लड़ने में मदद करता है, हमें स्ट्रॉन्ग और शाइनी यानी कि हमारे मसूड़ों को और दांतों को मजबूत बनाता है, हमारी जो सांस है उसको फ्रेश करने में मदद करता है, और कई लोगों को जो प्लैक हो जाता है जो वो उसको भी रिमूव करने में मदद करता है। और इसका एक बहुत ही खास फीचर है, जिन लोगों को दांतों में सेंसेशन होती है यानी कि सेंसिटिविटी, थोड़ा गर्म खाने से, थोड़ा ठंडा खाने से, इसके रेगुलर इस्तेमाल से हम ये सेंसिटिविटी से भी बच सकते हैं। तो ये हर्बल टूथपेस्ट है जिसको हम कब यूज करना चाहिए, हमें रात को सोने से पहले। देखिए कई लोगों को ये आदत नहीं होती है, लेकिन टीसी सर ने हम लोगों की आदत शुरू करवा दी है कि हमें रात को सोने से पहले ब्रश जरूर से करना चाहिए। तो हम जो दिन भर जो खाना खाते हैं, हम दिन भर जो कुछ भी खाते हैं, उसकी वजह से हमारे दांतों के अराउंड बहुत सारा कुछ कुछ जमा हो जाता है, और इसी वजह से कैविटी होने लग जाती है। और कई लोगों को बहुत छोटी उम्र में ही कभी अपने दांतों की सफाई करवानी पड़ती है, कभी किसी को अपने दांतों में कुछ ना कुछ ट्रीटमेंट करवाना पड़ता है। तो अगर हम इस टूथपेस्ट को रात को सोने से पहले रेगुलर इस्तेमाल करेंगे तो आप बहुत लंबे समय तक हेल्दी टीथ आपके रह सकेंगे। इसी के साथ हमारे पास एक और जो टूथपेस्ट है वो है हमारा हर्बल टूथपेस्ट विद नीम एंड क्लोव। ये टूथपेस्ट में भी बहुत सारे ऐसे गुण हैं जो हमारे दांतों को फ्रेश रखेगा, लेकिन हमें जो दोनों टूथपेस्ट के बीच में जो हमें समझने की जरूरत है कि सुबह के समय हम व्हाइट टूथपेस्ट यानी कि हमारा ये जो हर्बल टूथपेस्ट है इसको यूज करें, और रात के समय में हम वो जो रेड टूथपेस्ट है उसको यूज करें। तो ये हमें जो रात भर सोने के बाद जो सुबह उठ के जो हमारे हमें जो मुंह में फ्रेशनेस चाहिए होती है और हमें हेल्दी गम्स चाहिए होते हैं उसके लिए, और कैविटी होने से जो बचा सकता है, वो हमें ये वाला टूथपेस्ट काम करेगा। और रात को हम अगर उसको उस टूथपेस्ट को लगाएंगे जो रेड वाला टूथपेस्ट है, तो हम इन प्राकृतिक चीजों की वजह से हम बहुत सारी चीजों रात दिन भर जो खाना खाते हैं उसके बाद जिस तरह से हमारे दांतों की सफाई होनी चाहिए, हमारे गम्स की क्लीनिंग होनी चाहिए, वो सब हम कर पाएंगे।